श्री, क्या हुआ? तुम ठीक हो? ठीक कैसे हो सकते हैं राघव जी, सब वाणी दीदी वहां ठीक नहीं है। मुझे वाणी के बारे में कोई बात नहीं करनी। राघव जी, हम जानते हैं दीदी का शराब पीना, शराब की हालत में से घर आना वो गलत था, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना। जब कोई इंसान किसी को खुद से ज्यादा प्यार करता है, जो डर वाणी दीदी के दिल में है वो ना कोई बड़ी बात नहीं है। वाणी दीदी डरती है आपको खोने से, पर उनकी डर की वजह तो हम दोनों ही जानते हैं। हमारी शादी अब ये विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों ऐसा नहीं होता। नाम का सिंदूर किसी और के मांग में देखना। फिर से शुरू मत करो मिश्री, मेरे पास इन तमाशों के लिए वक्त नहीं है। राघव जी, अगर आज आपने वक्त नहीं दिया तो कल आपके पास आपका प्यार नहीं होगा। इससे पहले कि वाणी दीदी के मन की गलत फहमी इतनी बढ़ जाए, वो हमसे इतनी दूर चली जाए कि लौट के आने के सारे रास्ते बंद हो जाए, चलिए ना हम जाके दीदी को सब सच बता देते हैं। चलो सुनो, चलो तुम्हारी जमानत हो गई है। होप फॉर द बेस्ट, आपको बाकी सारी डिटेल्स बहुत जल्द मिल जाएंगी। थैंक यू। यकीन नहीं हो रहा, तुम्हारी बहन के साथ मैंने इतना गलत किया और तुम मुझे जेल से छुड़वाने आई, मेरी जमानत करवाई। हाँ, और अब बच कर रहना, क्योंकि मैं अपने परिवार को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगी। और रही बात बेल की, वो इसलिए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मैं तुम्हारे पर लगाए हर इल्जाम हटवा दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हम दोनों का मकसद एक ही है, और राघव की मौत। मैं उसके खून से अपना हाथ गंदा नहीं कर सकती, और तुम्हारे पास खोने के लिए और कुछ भी नहीं है। अगर मेरा काम करोगे तो। राघव जी, आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए थैंक यू। पर आप अभी शांत रहिएगा, हम दीदी को सब सच बता देंगे, ठीक है? होश में आओ, मैं यहाँ वाणी को सच बताने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारा और वाणी का रिश्ता ठीक हो जाए। मेरा और वाणी का झगड़ा रोज का है, और मैं तुम्हारी आंखों में उसकी वजह से आंसू नहीं देख सकता। और वो इसलिए क्योंकि हमारा रिश्ता सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का है। वाणी तुमसे नाराज रहेगी तो तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में नहीं रहेगा, तुम परेशान रहोगी, बस इसीलिए। समझ गई? राघव जी, सारा साथ जाने पर ही दीदी समझ पाएंगी, वरना गलत फहमी बढ़ती जाएगी। बस करो मिश्री, एक बार नहीं हजार बार बता चुका हूँ तुम्हें, वाणी हमारा सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मेरा दिमाग खराब है हा? मैं आप सबको मेरा पागलपन दिखाती हूँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये सोच सोच कर अंदर ही अंदर घुटने से अटकी है, मैं ये किस्सा ही खत्म कर देती हूँ। मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खा कि मेरे और अपने परिवार के अलावा हम किसी और लड़की से बात नहीं करूंगी।
चलो। राघव जी पहले हमारी बात सुनिए। मिश्री तुम फिर से शुरू मत करो प्लीज। हम उन्हें सच बता दें। बोल रहा हूँ। आंटी जी को मैं इतने भी जरूरी नहीं हो तुम मेरे वाने के लिए कि वो तुम्हारे लिए मरी जा रही होगी और इस नौकरानी को देख के जलस फील कर रही होगी। आंटी जी शायद तुम्हें पता नहीं है कि वानी कहाँ है इस वक्त क्या कर रही है, तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं वानी यहाँ नहीं है, दिल्ली गई है समर्थ के साथ फैशन वीक के लिए। समर्थ के साथ? समर्थ के साथ क्यों गई? क्या चल रहा है ये सब, क्या हो रहा है ये? वानी मुझे जलाने के लिए उस समर्थ के साथ घूम रही है, क्या बचपन है ये? मिश्री क्या कर रही हो ये, पागल हो गई हो क्या? डर लगा? लगा ना डर, जब धक्का लगता है तब इंसान ऐसे डरने लगता है राघव जी। और वानी दीदी को भी धक्का लगा और वो डर गई है कि कहीं वो आपको खो ना दे, और वो उसी डर के वजह से ये सब कर रही है। राघव जी वानी दीदी इस समय अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही है और ऐसी स्थिति में इंसान अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा लोग उठा सकते हैं। और अगर कल समर जी की वजह से दीदी नशे की हालत में थी और आज भी उन्हीं के साथ है, भाई दीदी के सही नहीं है। वानी राघव, वानी वानी कहाँ हो तुम? तुम ठीक हो? ये क्या हालत हो गई है तुम्हारी? राघव मैं दिल्ली में हूँ। क्या यहाँ पर एक फैशन वीक इवेंट में आई हूँ। यहाँ पे ना कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है राघव, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया है। प्लीज तुम आ जाओ राघव, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वानी मैम, वानी आपके द्वारा डायल नंबर जवाब नहीं दे रहा है। राघव जी हमें समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए, हमें दीदी के पास चलना चाहिए, उन्हें हमारी जरूरत है। आज तुम्हारी कहानी खत्म मिश्री। बेस्ट एक्टर अवार्ड गोज टू वानी। जरा सा डर, थोड़ी सी घबराहट और हल्के से आंसू मिलाकर तुमने आप बैठे बैठे उन लोगों की बात दुनिया ही ला दी। तुम सोच रहे होगे ना कि मैं कितनी मतलबी हूँ, राघव का ध्यान अपने ऊपर लाने के लिए मैंने कितने आसानी से झूठ बोल दिया। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझ रहा कि तुम मतलबी हो। अगर हम अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? फिर भी तुम्हें बुरा तो लग ही रहा होगा क्योंकि मैं इस इवेंट पे राघव को जलाने के लिए आई हूँ और यहाँ पर आकर भी मैं राघव के बारे में बात कर रही हूँ, उसी के बारे में सोच रही हूँ। बिलीव मी मुझे ऐसा कुछ नहीं लग रहा। इनफैक्ट हम दोनों एक जैसे हैं, हमें जो चाहिए किसी भी कीमत पे चाहिए, मैं क्या बुरा है? नहीं जैसे मैंने अभी राघव को झूठ बोला, तुम कम से कम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? तुम जैसे भी हो जो भी हो सबके सामने हो, तुम्हारे चेहरे पे कोई मुखौटा नहीं है। गलत वाणी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुमसे क्या क्या छुपा रहा हूं। वानी तुम जैसी भी हो कमाल, और मैं साबित भी कर सकता हूं। कान्हा जी वानी दीदी बहुत अच्छी है, उनके साथ कुछ गलत मत होने देना।
Be happy. Plan successful हो रहा तुम्हारा. प्यार से नहीं तो राघव को तुम छीन के अपने पास ला तो रही हो. Cheers. सॉरी राघव, तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो रहे होगे, पर मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं बांट सकती. उठाओ फोन, प्लीज 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 ऑन करो फोन. मैं चली जा रही हूँ. ये क्या कर दिया मैंने अनजाने में, इतनी बड़ी गलती कर दी. मुझे पता ही नहीं चला कि वानी के दिल में ये बात कब आई कि उसने मुझे खो दिया. से चलाइए राघव जी. राघव जी आराम से चलाइए, कुछ नहीं होगा दीदी को. राघव जी हम समय से पहुंच जाएंगे, आप आराम से चलाइए. राघव जी राघव जी आप ठीक है? मुझे वानी के पास जाना है. तूफान आ रहा है. सब मेरी वजह से हो रहा है, तूफान वानी की जिंदगी में आया है. राघव जी चलिए ना. ये सब क्या कर दिया मैंने मिश्री, तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, वानी के साथ बुरा कर रहा हूँ. मेरी वजह से ना तुम खुश हो ना वानी के साथ लड़ लड़के मैंने उसे खुद से इतना दूर कर दिया कि आज वो समझ के साथ है. उसने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला है. वानी के साथ कुछ भी हो सकता है मिश्री. मैं वानी की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता मैं उसकी जिंदगी बर्बाद. राघव जी आप मत सोचिए ये सब, कुछ नहीं होगा दीदी को. मैं बचाऊंगा उसे, मेरी वजह से तो आज वो इस तकलीफ में है. तुमसे शादी करके मैंने तुम्हारी जिंदगी तो बचा ली, पर वानी की जिंदगी बर्बाद कर दी. बहुत बुरा हूं मैं, उसके दर्द नहीं दिखे मुझे, उसकी तकलीफ का एहसास तक नहीं हुआ.
वानी को पूरा हक है, वो मुझसे लड़े, मुझसे झगड़े, उसे जो करना करे, पर मैं उससे बदतमीजी कैसे कर सकता हूँ? अगर उसे मुझसे लड़ना है तो वो मुझसे लड़ सकती है, उसे पूरा हक है। मुझसे नाते तोड़ने तो वो तोड़ सकती है, उसे पूरा हक है। पर मैं वानी को नहीं छोड़ सकता, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। मैं वानी के बिना नहीं रह सकता। मैंने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। राघव जी, चोट आपने पहुंचाई है तो घाव भी आप ही भरेंगे। हम वानी दीदी को कुछ नहीं होने देंगे, और हम आपसे वादा करते हैं कि हम आप दोनों की जोड़ी टूटने नहीं देंगे। कुछ नहीं होगा दीदी को, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना मिश्री? हाँ, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा ना? हम दोनों का मकसद एक ही है, मिश्री और राघव की मौत। आज तुम दोनों का खेल खत्म। जी,
राघव जी। राघव जी।